साथ? नहीं नहीं लीजा, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी साड़ी खींचे, मुझे नहीं पसंद है। वर्षा, सर लूडो के साड़ी खींचने से क्या लेना देना? लगता है कुछ गलत बोल दिया मैंने। बोलो। मतलब मुझे ये गेम नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं खेलती। लेकिन इसके रूल्स पता है मुझे, हारने पर लोग ऐसे साड़ी खींचते हैं। You're mad or what? तुम पिछले जन्म में ड्रोपड़ी था क्या? ड्रोपड़ी? ड्रोपड़ी मैन, ड्रोपड़ी। अरे वो दूरदर्शन ने उसका साड़ी खींचा था। लीजा लीजा, वो द्रौपदी और दुशासन। तो एक मिनट शांति रखने बहन। और वर्षा, वो ये लूडो का गेम नहीं था, वो चौपाट था, चौपाट। और वो महाभारत के जमाने में था। महाभारत? ए जब ऐसा सब करती है ना, तो मुझे मेरी चकुड़ी पे बहुत ज्यादा प्यार आने लगता है। अरे पर वो गांडी है किधर? आवती रहे, हमारी दिख रही, जीवती रहे। थैंक्स मैन। ले वर्षा, ए खाई खाई। वेरी टेस्टी। किसी को सेफपुरी में बटन मिले तो बताना। चकुड़ी, इसमें तूने बटन डाला है? हंसता? मुझे मिला है। अरे वाह, वेरी गुड। अब देखते हैं कि किसके मुंह से सुई निकलती है। अरे तूने इसमें बटन और सुई क्यों डाला डफोड़? क्यों बा, आप ही ने तो कहा था। दो घंटे पहले जब मैं सेफ बटाटा पूरी बना रही थी, तब प्रितेश आया था, क्योंकि मम्मी इसका बटन टूट गया है, तो उसकी शर्ट का मैंने बटन लगाया और मैं बैठी, तो आप क्या बोली मुझसे? क्या? आप ये बोली कि सुई बटन रख के सबके लिए सेफ बटाटा पूरी बना बेटा। वेरी गुड। मैं तो जा यहाँ से, वरना मेरे हाथों से तेरा खून हो जाएगा। तो बराबर, आप ही बता दीजिए कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि फिर बाद में आप बोलेंगे कि मैंने तो। अरे तू जाने बहन जाने। एक काम कर, तू जाके प्रैक्टिस कर। ये राम दुलारी ने चंद्रभान को रिझाने के लिए से फुल पटक तैयार होके प्रैक्टिस की थी ना, तो तू तेरे जीवन साथी को रिझाने के लिए प्रैक्टिस कर, जा। एक मिनट, वो ड्रैकुला वाला मास्क फिर से नहीं पहनना। तो बराबर। आंटी भावना मैन, ये अपना आदमी लोग कब आएगा क्लब से जवान होके? सीधा चल वाला, वरना फिर से कोई कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। अरे कैसा चलेगा मैन, कितना डिफिकल्ट है तुम दोनों के बीच में चलने का। इसीलिए मैंने बोला था इनको कि कपड़े ले लो, लेकिन ये कंजूस ककड़ी पैसे लेके बैठ गए। पर अब तो कॉलोनी पहुँच गए ना, तो फालतू का खर्चा करने की क्या जरूरत। तो लाओ मेरा पैसा वापिस दो। दे दूंगा रोनी, कल सुबह तक दे दूंगा। ओ मानो बेटा, ये कहाँ लेके जा रहा है? ये कचरा है, बाहर फेंकने जा रहा हूँ। ना ना बेटा, ये कबाड़ी वाले को बेच देंगे। ला तुम्हारे को दे। अरे बाप, भूख लगी जे। अरे फिर क्या है? बाप 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 बाप, तेरे को भूख लगता है? मेरे को ऐसे छोड़ के किधर जा रहे हैं तुम लोग? अरे रोनी भैया, ये कैसी हालत बना रखी है? ओ चेस का, तू मेरा हालत छोड़, तू क्लब से कहीं को सटक गया था? वो एक काम का फोन आया था तो थोड़ा। हाँ हरा बेटा, क्यों? मैं आता हूँ, कुछ काम है। जा भैया, लो बोलो। फिर से किसी का फोन आ गया, इतने फोन करता कौन है इसको? अरे इसको छोड़ो मैन, मेरे को टेंशन हो रहा है। निशा ने मेरे को बोला था ना, मैं उसको फोन कैसे करेंगा, मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है। वो झालर पूरे दिन फन बुक में पड़ा रहता है, तो उसी में ढूंढना है। वैसे निशा का पूरा नाम क्या है? निशा पिंटो। बस तो फिर फन बुक पे सर्च कर निशा पिंटो, जिस प्रोफाइल पिक्चर तेरी निशा से मिलती जुलती होगी वही तेरी निशा का प्रोफाइल है। हाँ, और जो प्रोफाइल मिलती जुलती ना हो और सुंदर हो वो तुम्हारे को दे देना, मैं भी उनसे दोस्ती कर लूंगा। कर पाया तो, नहीं तो। अरे ओ वर्षा, जब तुझे पता है कि इसमें बटन सुई ये सब डाला है उसने, तो क्यों खा रही है? लदे, तू माँ बनने वाली है। ए, तुम्हारा 4 महीना होने को आ रहा है ना, सोनोग्राफी करवा लेना। हाँ तो तुम्हारा गोद भराई हुआ कि नहीं? हाँ बोलो, भराई कि नहीं भराई? भराई थी। वो वसंत ने मुझे एक बार डांटा था ना, तो
बोलते बोलते मेरी आवाज भर आई थी। एक से एक नमूने आते हैं हमारी कॉलोनी में, इनसे मेरी चकुड़ी लाख गुना ज्यादा बेटर है। लीजा ये क्या है? हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखेंगी? आग है ये बदन, कौन सा अंग देखेंगी बा? अरे बाप रे, अरे मुझे दिखा के क्या तंबूरा होगा? जिसे दिखाना चाहिए उसे तो जाके ड्रैकुला का मांस दिखाया। कहा बाबा? बद्रेश अभी भी डरा हुआ है। वही तो। अरे मेरे साथ क्यों प्रैक्टिस कर रही है? लेकिन बा, आप ही ने तो कहा था थोड़ी देर पहले कि अपने जीवन साथी के साथ प्रैक्टिस करूं। तो मैं तेरी जीवन साथी हूँ? हस्तवाड़ी जीवन साथी कौन होता है जो जीवन भर साथ रहे, और मैं आपके साथ पूरा जीवन रहने वाली हूँ बा। भले ही मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं आपके साथ रहूंगी लाश बनकर। तू भले मेरा खून पिएगी लेकिन 100 साल जिएगी। ये लो, ये सास बहू का रोमांस शुरू हो गया। और आंटी भावना मैन, तुमने काय को ये बैरवी को ऐसा आइडिया दिया? हाँ भद्रेश उसको बहुत प्यार करता है, वो अप्सरा के बीच में भी होएगा ना फिर भी अपना भैरू को ढूंढता रहेगा। किधर है मेरा भैरू, किधर है मेरा भैरू? चोटी देखो, टैटू देखो, मैं क्या चिल्ला चिल्ला के पूरा कॉलोनी को क्या? अरे एक मिनट मैन, दिस इमली इज सावर को हिंदी में कैसे बोलेगा? ये इमली कट्टा है, ये कट्टा है। हाँ चिल्ला चिल्ला के पूरा कॉलोनी को ये कट्टा करेगा? सीरियसली रॉनी, तुमने इकट्ठा का ये कट्टा किया? अभी तुम समझा ना। लेकिन रॉनी भाई आपके सारे कपड़े कहाँ गए? जब तुम यहाँ से गया था क्लब के लिए तब तो तुम जुवान बन के गया था, तो क्या हो गया तुमको? बोलो रॉनी। हाँ क्या हुआ? कि मैं होटल से जा रहा था। हाँ। रास्ते में एक बूढ़ा औरत था, उसको 4 गुंडा लोग छेड़ रहा था मैन, और तब मैं वो गुंडा लोग के साथ फाइट किया, और फाइटिंग में मेरा कपड़े पे कीचड़ लग गया, तो मैंने वो कपड़ा वहीं पे फेंक दिया। रॉनी तुम सच बोल रहा है? नहीं, ये इधर काय को आया मैन। हाँ हिमा, रॉनी अंकल शायद भूल गए हैं, उनके कपड़ों पे कोई कीचड़ नहीं लगा है, ये देखिए। लीजिए रॉनी अंकल, आपके कपड़े पहन लीजिए, लीजिए लीजिए। हेमंत, रॉनी भैया के कपड़े तुम्हें कहाँ से मिले? वो आंटी ने दिए क्लब में। क्लब में? रॉनी तुम अपना कपड़ा क्लब में छोड़ के आया? वो आंटी थी ना क्लब में, ऐसे ऐसे इशारा करने वाली, उन्होंने दिए, वो दूसरी आंटी से लेके दिए। हेमंत तुम ये क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाने दो इसको, ये है, जाने दो इसको। मैं समझाता हूँ। हम सब लोग क्लब गए थे ना, तो वहां पे ऐसे ऐसे करके मेरे पापा के सारे कपड़े उतर गए, तो रॉनी अंकल ने मेरे पापा से कहा भी
कि वो मेरे पापा के कपड़े पहन के वापस लौट जाएंगे, लेकिन तब वो आंटी आई। हेलो वसंत, हाँ भेजता हूँ अभी, हेमंत बुला रहे, डैडी बुला रहे, जाओ जाओ जल्दी जाओ। पापा आ रहे, आ रहे, हाँ हाँ पापा। रॉनी अंकल ये रिंगटोन मुझे सेंड कर देना। मैं दे दूंगा, दे दे। बाय बाय। रॉनी तुमको क्या बोलने को मांगता है अभी? तुम क्लब में जवान बनने को गया या जंगली बनने को गया? और अच्छा लगता है कोई लड़की का ऐसा मजाक उड़ाता है तो? सॉरी, एक्चुअली वहां भी सॉरी बोला था, मजाक किया उसका, मेरे को सजा भी मिला। सॉरी मैं कभी भी ऐसा नहीं करेगा, प्लीज मेरे को माफ कर दो। खाना खाओ, मैं अपना कपड़ा बदल के आता है, प्लीज। सॉरी अभी मेरे को ये सोचना पड़ेगा कि निशा को कांटेक्ट कैसे करूं। अरे हाँ, फन बुक पे उसका प्रोफाइल होएगा, चेक करके देखता है। रॉनी तुम कपड़ा चेंज करने के लिए जा रहा था ना, तो उधर काय को जा रहा है? मेरे को एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, मैं सोचा पहले काम फिनिश कर लूँ फिर कपड़े पहन लूंगा। लोग जाओ खाना खाओ, कपड़े पहन लेंगे। रॉनी बेचारे को क्या मालूम कि वो निशा समझ के जिसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्चुअली निशा है ही नहीं। क्या आइडिया दिया है मेरे को राम दुलारी ने। आते ही बड़ा चिलांगे होता है पतियों को संभालना। हाँ तो इसने पंजाबी में चालू किया। अरे ओ बेन राम दुलारी, हिंदी में बोल ले बेन। पतियों को संभालना बहुत ही बड़ा चिलांगे है। पतियों का संभालना एक चैलेंज है। हम हमारी माँ के यहाँ गए, वहाँ हमारी मौसी जी ने गर्मा गर्म रोटियाँ बनाकर खिलाई, तो मौसा जी बोले कि रोटियाँ तो बहुत ही हॉट है। तो हमारे ये चंद्रभान जी बोले कि मौसी जी तो रोटियों से भी ज्यादा हॉट है, और मौसी जी के हॉट होने पर एक तो गाना चेप दिए। हमारी मौसी जी को फन बुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजे हैं। वेरी गुड। एक्चुअली राम दुलारी सही बोलता है मैन, मेरे को भी जानने को मांगता है कि रॉनी का फन बुक में उसका कौन सा फ्रेंड है, और वो किस किस को लाइक करता है, और वो किस किस को अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। लेकिन मेरे को पता ही नहीं चलता है मैन, मैंने उसको कितना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। उनकी कोई पुरानी सहेली होगी ना। हाँ है ना, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निशा। हाँ, तो निशा जी के नाम का एक फाके प्रोफाइल बना लीजिए, और उस फाके प्रोफाइल से रॉनी भैया जी को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट रॉनी भैया जी एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, और जान जाइए कि आपके पति के मन में क्या चल रहा है। अब आएगा मजा, क्योंकि लीजा बनी है निशा। आहा हा आहा। भैया हेमंत तो शिशिर की सारी गेम्स ले आया। शाबाश शरद, शाबाश। आज सारी रात जागेंगे और ये सारी की सारी इंसानी गेम खेलना सीखेंगे, ताकि आइंदा क्लब में हमारी बेइज्जती ना हो और हमसे कोई गलती ना हो। हा 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 भैया। पापा पापा आपने मुझे बुलाया। मैं तुझे बुलाऊंगा। बेटा मैं तुझे बुलाऊंगा या भगाऊंगा। ओ, ओ, ओ मत कर,
आ गया तो बता, तुम और प्रीतेश ये वाली नहीं, ये वाली, ये वाली, ये कहाँ खेलनी आती इसको, और इसी की वजह से मेरे कपड़े उतर गए थे। पापा जे, ये वाली गेम आती है, स्नेक्स एंड लैडर्स, हिंदी में इसे सांप बीड़ी कहते हैं। अरे अरे सांप बीड़ी तो बेटा वो नुक्कड़ वाला तिवारी, वो कहता है ना इलो सांप बीड़ी, इलो सांप बीड़ी, वो लॉजिकली सांप सीढ़ी होगा। हेमंत सांप सीढ़ी तो वो गवर्नमेंट गरीब किसानों को देती है ना, वो गेंडे वो सब्सिडी, सब्सिडी तो खेलना सिखाना प्लीज। अच्छा अब सब लोग अपनी उंगली यहाँ स्टार्ट पे रखिए। पापा आप अपनी उंगली हटा दीजिए ना। अरे मैं क्यों हटाऊं, मुझे खेलना है। ए, शरद उंगली हटा। नहीं नहीं भैया मुझे भी खेलनी है। अरे ऐसे क्या करो तुम यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मम्मी आप लोगों को मन से छोटा बनना था लेकिन इतना छोटा नहीं। हम यहाँ ये गेम्स खेलना सीख रहे थे, वहाँ क्लब में लोग ऐसे गेम्स खेलते हैं। शरद उंगली हटा ना। हाँ अब आगे बता कैसे खेलता है। पापा अब आप सांप से डर जाइए और सीढ़ी से ऐसे उतर जाइए। सीढ़ी पे चढ़ा ही नहीं मैं तो सीढ़ी से उतरूंगा क्यों? आप सांप से डर गए ना। ए, आप लोग कैसे खेल रहे हैं? ये हम इंसानी गेम्स खेल रहे हैं तो हमें खेलने दो। सब गलत खेल रहे हैं। पहले पासा। अब बहुत हो गया वर्षा। माना हम दोनों के बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे रिस्पेक्ट भी ना दो। पासा क्या ऐसे बोलो जी, पास आइए, पास आइए ऐसे बोलो। मैं जानता हूं ना अब मैं यंग लगने लग गया हूं ना तो आज भी आप इंसानी लल्लू ही दिखते हैं। और मैं बसंत जरा पास आइए ना, ऐसा नहीं कह रही थी। हेमंत वो दो, इसकी बात कर रही थी मैं, इसे कहते हैं पासा। अच्छा वैसे सांप सीढ़ी का खेल ऐसे नहीं खेलते। हेमंत ये लो, पहले ये पासा फेंको। वेरी गुड, अब जाके देखो कितने अंक आए। अब जितने अंक आए ना उतने अंक आगे बढ़िए। एक दो तीन। हाँ यहाँ पे तो सांप है। हाँ तो सांप के सामने जब इंसान आते हैं तब क्या करते हैं, वैसा कीजिए। अच्छा अच्छा हाँ। हे नाग देवता आज नाग पंचमी के दिन हमें आशीर्वाद दो। वेरी गुड, देखा ऐसा खेलते। और ये जो सीढ़ी है उसका क्या? अरे पापा कभी कभी नाग ऐसे ऊपर चढ़ जाता होगा ना तो सीढ़ी पे चढ़ के उनका आशीर्वाद लेते होंगे। अरे वाह गेंडू। अच्छा 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 ये सब बातें छोड़िए, मेरी बात पे गौर कीजिए प्लीज। भावना आंटी और कॉलोनी की बाकी औरतें मेरी सोनोग्राफी करवाने की बात कर रहे थे। वसंत वसंत अब क्या करेंगे हम लोग? सुनो सोनोग्राफी वो क्या होती है वो पहले पता करो, उसके बाद में वो जो भी है वो करवाओ। शरद हाँ तुम उस सोनोग्राफी की नकली रिपोर्ट लेकर आओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.